Hi guys, I'm Kranti Sambo. Welcome to Time Drive, another episode of Carantine. Yeah, all of us are under quarantine or is work from home mein. Kuch ek log purane shauk ek baar phir se shuru kar rahe hain aur kuch ek log apne shauk ke liye waqt nikal rahe hain aur kuch pending kaam nipta rahe hain. Jaise ki ek mera pending shauk tha in choti cars ko shoot karna, photography iski karni, aur isi wajah se humne socha kyun na quarantine ke is एपिसोड की शुरुआत की जाए, जिसके पहले एपिसोड में वी टॉक्ड अबाउट स्कैलिन एंड दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट हॉट रॉड्स. अब हॉट रॉड्स क्या हैं? इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश, आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टेइंग होम, स्टेइंग सेफ, कीप एवरीवन सेफ, और घर से बाहर मत निकलिए जब तक कि इमरजेंसी ना हो, क्योंकि अभी वो फेज है जहां पर सबसे ज़्यादा फैलने के चांसेस बताए जा रहे हैं कोरोना वायरस के. और कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा एहतियात आप बरत सकें, सो दैट ऑल ऑफ अस आर सेफ एंड एक बार फिर से हम सभी सुरक्षित सेफ सड़कों पर उतरें. तो इसी रिक्वेस्ट के साथ एक बार फिर से वापस आते हैं आज की कहानी के ऊपर, और वो हैं हॉट रॉड्स. हॉट रॉड्स दरअसल होते क्या है? आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, और इसकी शुरुआत दरअसल 30s में हुई थी, जब पुरानी गाड़ियों को, जो कई डिस्कार्डेड गाड़ियां थी, उनमें दमदार इंजन लगा के रेस करना यंगस्टर्स ने शुरू किया था. एंड दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ दिस कल्चर. वैसे मैं अपने समझने के लिए अगर बात करूँ तो बहुत हद तक मुझे ये बॉबर्स या चॉपर्स की तरह लगती है. यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने क्यों कंपेयर किया बॉबर्स, चॉपर्स या इवन कैफे रेसर्स को हॉट रॉड से. बिकॉज फंडा वही था, रिड्यूस द वेट एंड इंक्रीज द स्पीड. और उसके लिए क्या होता था, चाहे हम बाइक्स में देखें, फेंडर्स हटते थे, साइड जो गार्ड्स होते थे वो हटते थे, या बॉक्सेस हटते थे. सिमिलरली इन कार्स क्या हटना था, कार्स में भी बहुत सारी चीज़ें थी हटने के लिए. बम्पर्स हटा दिए जाते थे, फेंडर्स हटा दिए जाते थे, कई बार रूफ हटा देते थे, और कई बार तो हुड्स भी हटा देते थे. आज भी इस तरह के हॉट रॉड्स काफी शौकीन लोग ही बनवाते हैं, बट हाँ बनवाते जरूर हैं. वो कॉन्सेप्ट अभी भी बचा हुआ है, अनलाइक मोटरसाइकिल जहाँ पर क्रूजर और बॉबर्स ज्यादा अब ट्रेडिशनली मेन स्ट्रीम हो गए हैं. हॉट रॉड्स मेन स्ट्रीम तो नहीं हुए, बट या यू स्टिल गेट टू सी दोज कार्स. यू मस्ट हैव सीन सम प्रोग्राम, सम वीडियोज ऑन दीज कार्स, या फिर किसी मूवी में भी आपने देखा होगा, बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में. बट इफ यू टॉक अबाउट दीज हॉट रॉड्स, जब कल्चर इसका बढ़ा था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब जो सोल्जर्स थे ज़्यादा टेक्निकली वो अब इक्विप्ड थे, प्लस एम्प्टी एयर स्ट्रिप्स थे, प्लस आपके पास गाड़ियाँ थी जो यूज़ की जा सकती थी, और इन सब कॉम्बिनेशन के साथ हॉट रॉड्स का एवोल्यूशन काफ़ी मज़ेदार ज़रूर है. इनिशियली ऑब्वियसली रेसिंग काफ़ी होती थी, कई बार एक्सीडेंट्स होते थे बहुत ज़्यादा जब रोड्स पे होते थे, या लेक्स के ड्राई बेड के ऊपर रेसिंग होती थी. एट दैट टाइम इट वॉज काइंड ऑफ डेंजरस, कई सारे एक्सीडेंट्स होते थे, ऐसा हमने रिसर्च के दौरान देखा है, पढ़ा है. बट एट द सेम टाइम एक बार जब ड्रैग रेसिंग फॉर्मलाइज हो गई, उसके बाद मामला थोड़ा सा और ज़्यादा फॉर्मल हुआ, थोड़ा सा सेफ हुआ ड्रैग रेसिंग, उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलन में आई. सो मेनी एंथुसियास्ट्स दे स्टार्टेड फॉलोइंग ड्रैग रेसिंग एंड दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग एज वेल. वो तो आपने अभी भी देखा होगा ड्रैग रेसिंग. खैर, तो ये कहानी थी इस हॉट रॉड की. और अभी अगर हम इंडिया में भी बात करें, बहुत सारे हॉट रॉड्स तैयार करने वाले शौकीन तो उन्हें देखें, बट हाँ वो जो कल्चर उस टाइम में हुआ कर रहा था, दैट कल्चर इज नॉट सीन एनी मोर. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज कार्स, लेट अस नो. और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी बताइए. प्लस आने वाले एपिसोड्स में और क्या क्या हम स्टोरीज लेकर आ सकते हैं क्वारंटाइन में, क्वारंटाइन के टाइम में, टू लेट अस नो. और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय.